के बारे में मैं छोटी हूँ बड़ी बात क्या करूँ, आप देख रहे हैं, आई एम जस्ट सराउंडेड विद सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आर्ट एंड आर्टिस्ट. एज एन आर्टिस्ट आई फील इट्स ब्यूटिफुल. मेरे लिए जब भी मैं ऐसे किसी जगह पे आती हूँ तो ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ टेम्पल फॉर मी. सो आई रियली लव, सो सो ब्यूटिफुल सबके, मतलब राम जी तो अलग ही, मतलब यू कैन, आप खुद भी देख सकते हैं इनका फिनिश एवरीथिंग, मतलब आई एम नोबडी टू कॉम्प्लीमेंट यू नो, मतलब हम सबको पता है कितने अच्छे हैं. बाकी सब भी जो ये लोग नए आर्टिस्ट को इनक्रेज कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. क्योंकि एज एन आर्टिस्ट कोई कहीं भी आर्टिस्ट किसी भी फील्ड के हो, द इनिशियली उनको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बूस्ट चाहिए, जहाँ से वो अपने आर्ट के प्रचार कर सके या लोगों तक पहुँच सके. सो आप लोग जो ये कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग अमेजिंग सीरियसली. हम जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले भी आर्ट गैलरी में कभी पार्टिसिपेट किया? जी हाँ, माय फादर इज़ एन आर्टिस्ट, सो आई एम, मैं खुद भी थोड़ा बहुत एमेचर पेंटिंग कर लेती हूँ, सो यस. मैं नहीं बोला ना, मैं एक एमेचर आर्टिस्ट हूँ. मैं अपनी खुशी के लिए पेंटिंग करती हूँ, एग्जीबिशन के लायक नहीं हूँ. और मुझे जो अच्छा लगता है, कभी जो मन करता है, कभी कभी मूड के ऊपर होता है. कभी आपको मन करता है आप किसी लैंडस्केप घूम के आए कहीं पे, तो आपका वो मन में आता है तो आप वो पेंट करना चाहते हो. लेकिन मुझे कलर्स पसंद है, आई एम नॉट अ, मुझे एक्रिलिक से मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ. पहले बचपन में ऑयल से ट्राई करती थी, अभी एक्रिलिक थोड़ा लाइफ इजी कर दिया. तो बस दैट्स व्हाट आई लाइक, बट आई एम एन एमेचर, मतलब इट्स लाइक अ बाथरूम सिंगर. मैम, आर्ट लवर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आर्ट लवर तो एक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई थिंक बस आर्ट से प्यार करते हैं जो, मेरे ख्याल से उनके लाइफ के काफ़ी कुछ सॉर्टेड रहते. आई फील सो, बिकॉज इट्स अ ब्लिसफुल थिंग व्हेन यू आर लॉस्ट इन आर्ट. भले ही मेरे पेंटिंग आपको अच्छा ना लगे, बट व्हेन आई एम पेंटिंग आई फील वेरी कनेक्टेड, आई फील वेरी ब्लिसफुल. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन यू फील. आई थिंक आर्ट आपको एक, पता नहीं मैं बड़ी बात कर रही हूँ कि नहीं, कि आर्ट आपको एक बहुत डिवाइन कनेक्शन, जैसे आप डांस भी कर रहे हो, म्यूजिक भी कर रहे हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो आर्ट के थ्रू. सर आपसे जानना चाहेंगे, और कुछ पूछ लो भाई? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के सामने क्या बोलूं, पूरा इन खत्म करोगे? कौन सी सीरीज आ रही है, कौन फिल्में आ रही है? नहीं नहीं, अभी यहां पे आप आर्ट के बारे में क्या कहेंगे? ऑनली जी आए हुए हैं भाई, एक कलाकार दूसरे कलाकार की तारीफ ही कर सकता है. तो मैं मौली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इस प्लेटफॉर्म के लिए निकाला, इस आर्टिस्ट, इन सुंदर आर्टिस्टों ने जो पार्टिसिपेट किया है, इस कला सृजन के लिए निकाला है. बड़ी बात है, सवाल ये नहीं कि हमारा इनसे रिश्ता है, सवाल ये है कि रिश्ता कितना मजबूत है. आई गेस समझ में, तो कोई किसी के लिए समय दे देता है, ये बहुत बड़ी बात है. तो इनका आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है. और हम तो यही चाहेंगे हमारा इनका प्रेम बना रहे और ये हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आज जो है वो कितनी कलाकार पार्टिसिपेंट्स? यहाँ पर अराउंड 300 कलाकार. इन लोग को हम ढूंढे नहीं, एक्चुअली वो हमें ढूंढ लिए. बात ऐसे है, यहाँ पे कितने दिनों के लिए जो है वो गया? 4 दिन, मतलब आज से, आज से 3rd December. तीन सर जानना चाहेंगे, मैम आए हुए हैं, क्या कहेंगे कुछ खास? देखिए ये कला का मंदिर है, ये भी एक कलाकार है, और इनके एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. बहुत मैं तो फैन ही हूँ इनका एक्टिंग की. इतनी सुंदर, और इनका जो
सीरियल टीवी सीरियल पहले चलते थे कोई किसी रोज सुधा चंद्रन जी के साथ, तो सुपर हिट और इतना अच्छी एक्टिंग की है उसने, उन्होंने इसका भाषा नहीं है बोलने के लिए, तो ये भी एक महान कलाकार है। अरे नहीं, सही कलाकारों की मंदिर है, तो इसमें एक संगम हो रहा है, कला का संगम, स्पंदन का मतलब ही है कला का वाइब्रेशन, उद्गम। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप कला में आकर के, लोगों को पार्टिसिपेंट को के आर्ट लवर, आर्ट लवर को तो ये बोलूँगा जी आप लोग आएंगे तो इन लोग का जो नए नए काम इन लोगों ने किया है वे कोशिश कर रहे हैं जिन लोग, सबको आप लोग एंकरेज करेंगे तभी उनको क्या है एक अलग दिशा मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए उनको बूस्ट मिलेगा। सर आप एक शायरी के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी से तुमको ऐसे कैसे बेवफा कह दूँ, अभी से तुमको ऐसे कैसे बेवफा कह दूँ, पूरी मंजिलों की बात है ये तो रास्ता है, बीच रास्ते में क्या करूँ, आप चलते रहिए मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आप सभी आर्टिस्टों के लिए कभी हताश न हो, कभी उदास मत हो, आप चलते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ जो चलता रहा वो कलाकार हो गया, जो ठहर गया वो बेकार हो गया, तो आपको ठहरना नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है, आप चलते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैम आपसे लास्ट सवाल है, हाँ, आपके फैन के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या मैसेज है? फ़ैन के लिए मैं ऑनेस्टली मैं मानती हूँ आप काम अच्छा करोगे फ़ैन आपके साथ होंगे, आप काम अच्छा नहीं करोगे फ़ैन किसी और के फ़ैन बन जाएंगे। तो मैं फ़ैन पे इतना फोकस नहीं करती हूँ, मैं अपने क्राफ्ट को जितना ऑनेस्टली कर सकूँ उतना कोशिश करती हूँ, अगर मौका मिलते रहे तो करती रहूँगी, और बाकी तो आएंगे जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं? लेकिन मैं मिड दिसंबर को शुरू करने वाली हूँ, बट लेट इट हैपन, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वी शुड बी टॉकिंग अबाउट। यस हाय, आई एम बिनल, मिसेस बिनल गड्डा, आई एम बेसिकली कैलीग्राफर, सो आई एम जस्ट शोकेसिंग माय आर्ट वर्क दैट इज द दिस ऑल आर द हैंडमेड एंड आई जस्ट डू द पेंटिंग्स ऑल्सो, personalized envelopes and personalized wedding cards also. Thank you so much. हम आर्ट कॉलेज से हूँ, कलकत्ता से आया हूँ, मेरा नाम शर्वानी गांगुली है, इंडियन आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्टमैनशिप, उधर से फाइन आर्ट्स में हम पढ़ाई किया, पास किया हम 86 में, इसके बाद हम ये पेंटिंग बनाया, तो ये पेंटिंग जब हम बनाया तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में यही पेंटिंग में हमको गोल्ड मेडल मिला, और ऑल ओवर इंडिया में वाटर कलर में बेस्ट अवार्ड मिला। आपकी पेंटिंग क्या है? और पेंटिंग है स्टोन इफेक्ट का पेंटिंग, जैसे है जो इफेक्ट पत्थर का ऊपर जितना पत्थर के ऊपर काट के उसको मूर्ति बनाया जाता है, जैसे केव बहुत कुछ है इधर, जैसे एलिफेंटा केव में है, जैसे अजंता एलोरा, ये सब जो पेंटिंग लगता है जैसा होता है उस टाइप का उन्होंने पेंटिंग बनाने का कोशिश, स्टोन इफेक्ट में है, स्टोन इफेक्ट में किया क्यों हमको लगता है स्टोन इफेक्ट में कुछ है, तो जो लगता है स्टोन एकदम स्टोन नहीं है, लाइफ है, इसीलिए यही हम सोचता है ऐसे करके हम बनाया। आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आई यूजुअली मेक रियलिस्टिक आर्ट वर्क, सो दीज आर माई आर्ट वर्क, दिस इज चारकोल एंड दीज ऑल आर एक्रेलिक, दिस इज वाटर कलर एंड आई एम इन कला स्पंदन आर्ट फेयर and today is the inauguration of this art fair and it will be previewing till 3rd of December. Thank you. Stick artwork मैंने यहाँ पे present किया है, मेरा speciality है मैं animals and birds में painting करती हूँ, मेरा acrylic पे यहाँ पे मैंने showcase किया है, और इनका artwork है वो भी acrylics पे है and it presents south culture, और ये exhibition 30 से 3 तारीख तक का है यहाँ। Hi, I'm Soumya Swaminathan and I'm from Bombay, Chembur. I am a mandala artist. All these works are like, you know, all based out of mandala. I make coasters, earrings, keychains, everything is related to home decor.
and it will go very nice with all the house aesthetics and everything, and all of these like take time and effort to make. So please do come visit and enjoy. Thank you. From Mumbai. So I like to do art, and this is my passion. I am doing mandala, and these are special because this is 3D mandala. Each stroke is done thrice. It's, you can come and see, take a close look at this. It's 3D mandala. Ye gond art hai. Aur ye hai landscape, miniature painting hai. These are few small products which I am displaying, tea light holder and everything. My main motto is I want to make art affordable, and art should be with each and everyone, should pursue art, because art ek aisi cheez hai jo hamare soul ko heal karti hai. It's a meditative thing. So art should be for everyone, and everyone should do little. I am self taught artist. I am artist. To matlab mera khud ka maine sikha hua hai, and I want the art to reach to each and every person. Please visit. Thank you.